कहीं भी ऐसे मिल जाए तो थोड़ा। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। ये ब्लॉग है गुरुवार का 11 अप्रैल। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 8 बज चुके हैं। तो आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि आज मुस्लिम लोगों का त्यौहार है ना, तो इसीलिए स्कूल की छुट्टी है। तो थोड़ा आराम से उठे, और क्योंकि तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी तो आराम से ही उठ रहे हैं। और वैष्णवी तो 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी, तो आज तो छुट्टी हो गई तो रेस्ट मिल गया उसको आज। तो फिर दूसरे शुक्रवार को जाएगी अब वो स्कूल। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, और वैष्णवी उठ गई है, वो भी शायद वो कुछ काम कर रही है अभी अपना। उसको स्कूल का भी काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करना है, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हुई थी तो नहीं जा पाई ना, तो उसी को ही देख रही है। आजकल तो व्हाट्सएप में सेंड हो जाता है होमवर्क वगैरह, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो पूरा ग्रुप बना रहता है व्हाट्सएप में, तो वहीं से ही पेरेंट्स लोग सेंड कर देते हैं। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी और सब्ज़ी। और इसको अच्छे से आज मैं इसको मतलब पानी रस वाला बनाती हूँ इसका, मैं सूखा वाला नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ना तोरई उतना पसंद नहीं आता है। तो इसका जो सूप होगा ना, वो मैं वैष्णवी को पिला दूँगी, तो जिससे कि उसको भी पूरा विटामिन मिल सके। और वाटरी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है इस टाइम पर, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की ही तैयारी चल रही है मेरी, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना किचन में। और वैसे तो धूप नहीं आ रही आज, उतना तेज़ तो नहीं लग रहा था धूप, मतलब अभी मॉर्निंग का टाइम में उसे बहुत तेज़ धूप आ जाती थी मेरे किचन में, तो अभी उतना नहीं आया। बादल से लगे हुए हैं आसमान में, देखो कि अब तक बारिश होती है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको काट लूँगी तोरई, और इसके साथ थोड़ा सा मैं आलू मिक्स कर दूँगी एक दाना, ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी हल्का सा गाढ़ापन आए आलू से। और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। तो जी इसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इसमें मैं छौंक लगा दूँगी जीरे का, करी पत्ता और थोड़ा सा हींग डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा। तो फिर इसके बाद इसमें मैं सब्ज़ी को फ्राई कर लूँगी पहले अच्छे से। तो जो सब्ज़ी काटी हुई थी मैंने, इसको डाल दूँगी। और वैसे ये सब्ज़ी सूखी भी अच्छी होती है, और प्याज लहसुन वगैरह सब डाल सकते थे, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो अभी मैं नहीं खाती हूँ नवरात्र में। वैसे भले मैं व्रत करूँ या ना करूँ, तो प्याज लहसुन मैं नवरात्र में बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अब व्रत नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर खाने पीने का भी थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से ही तो आता है, परमपिता परमेश्वर से ही, तो इतना तो कर ही सकते हैं हम। अब हेल्थ की वजह से मैं फास्ट वगैरह व्रत नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना इसी वजह से। तो इसमें मसाले वसाले सब डाल दिए हैं मैंने, टमाटर भी डाल दिए हैं। अभी इसको ऐसे ही पकने दूंगी, फिर जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे सूप बनाने के लिए। बहुत टेस्टी सूप बनता है इसका, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो इसमें लास्ट में थोड़ा सा लस्सी भी डाल देते थे दही को फैट कर, और वो वाला भी अच्छा होता है, वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज वो नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि हर सब्ज़ी में दही डाला हुआ भी हर किसी को पसंद नहीं आता है ना, तो मैंने सोचा आज दही को छोड़ देते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं। और इसके बाद ले आई मैं फ्रिज से एक खीरा, इसको कोर लूँगी मैं, और दही काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है मेरी, तो मैं थोड़ा सा आज रायता बना लूँगी। और गर्मियों के दिन है तो खाने के साथ दही हो गया, रायता हो गया, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और गर्मी का यही फ़ायदा होता है ना, दही काफ़ी अच्छी जम जाती है, सर्दियों में तो उतना नहीं जम पाता है, बिगड़ जाता है, टेस्ट बिगड़ जाता है दही का, फिर ठंडी भी लग जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी दही जमी हुई है, और इसको मैं इसमें डाल दूँगी, जो खीरा मैंने कद्दूकस कर लिया है, और थोड़ा सा दही जितना भी चाहिए आपको उसमें डाल देंगे। तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम, ताकि मतलब एकदम दही और कुकुम्बर अच्छे से घुल मिल जाए आसान, मतलब एक दूसरे से, तो इस टाइप से इसको आसानी से फेंट लेंगे। तो जी इतना करने के बाद अब बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी देख रही थी, सब्ज़ी मेरी पक गई थी तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि अब मुझे इसका बनाना है सूप, ताकि वैष्णवी इसको पी सके, इसका रस होता है जो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और इसके बाद अब मुझे रायता में लगाना है तड़का, तो इसमें मैंने काली सरसों के दाने और करी पत्ता और थोड़ा सा जीरा
डाल दिया है और कटी हुई हरी मिर्च डाल दिए हैं, जितना भी आपको पसंद है, तीखा या कम, जितना भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। तो वैष्णवी भी खाएगी तो अब हल्का फुल्का ही खा रहे हैं आजकल हम, तो मैंने कम मिर्च कम डाला है, तो इसका जल्दी से तड़का डाल देंगे हम इसमें। और तड़का डालते ही इसका हम ढक्कन लगाने के, और इसका स्मेल होती है ना जो पूरे घर में फैल जाती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे इसकी स्मेल। तो इसका ढक्कन लगा देंगे ताकि जो भी इसकी फ्लेम उड़ती है वो इसके अंदर ही रह जाए, घुल मिल जाए पूरे रायता में, जिससे अच्छा सा फ्लेवर आए इसका। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर पार्ट खराब हो ही जाता है, तो इसको मैं साफ कर रही थी। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। और इसमें हरी सॉरी लाल मिर्च पाउडर भी डालती तो और अच्छा दिखता है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मिर्च मसाला अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का ही खा रहे हैं हम लोग, वैष्णवी को हल्का फुल्का ही देना है ना इसीलिए। और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, जितना भी जिसको तीखा पसंद है, तीखा या हल्का, जितना भी अपने अनुसार। और ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, और जो हम हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं ना, उससे और भी अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो जी रायता तो मेरा रेडी हो गया है और सब्जी भी रेडी हो गई है। अब बस मेरा मेरा काम है बस आटा लगाने का। अब जल्दी से मैं आटा रेडी कर दूंगी, इसको मैं साइड में रख दूंगी, और जो दही बचा हुआ है इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि इसको बाहर ही रख देंगे तो ना, अब गर्मियों के दिन है, बाहर ही रहने देने से अब दही है जो खट्टी हो जाती है, फिर ज़्यादा खट्टा दही खाया नहीं जाता है, सब्जी वगैरह या लस्सी बनाने के काम आ जाती है, नहीं तो वैसे दही खाने के लिए ज़्यादा खट्टी अच्छी नहीं लगती है, नॉर्मल सा ही ठीक लगता है, इसलिए मैंने इसको फ्रीज में रख दिया। तो जी सब्जी चढ़ गई है और आटा मैंने डाल दिया है, और आज मौसम भी ना पता नहीं कुछ ख़राब सा हो रहा है, धूप नहीं आई है बिल्कुल और बादल लगे हुए हैं। थोड़ी सी भी बारिश आती तो ना थोड़ी गर्मी से ना राहत मिल जाती, बहुत अच्छा होता। और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और वैष्णवी की भी ठीक है, मतलब दोनों ठीक हैं, और तो काम करने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कुछ तबीयत ख़राब होती तो काफ़ी ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं ना हम, खाने पीने में सब चीज़ में, तो फिर एनर्जी तो बढ़ना ही है। बीच में थोड़ा लापरवाही हो जाती है, खाने पीने का टाइम टेबल है जो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी। बादल से लगे हुए हैं, देखो बारिश होती है कि नहीं। तो जी अब रोटी वोटी बनाते हैं, फिर आगे का काम देखो क्या क्या होता है। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और देखती हूँ, चाय भी नहीं पी सुबह से, तो थोड़ा सा चाय पीऊँगी और बस फिर लंच का ही टाइम हो जाता है, तो चलता है किचन की ओर, थोड़े से रोटी वोटी बना लेते हैं। जी भी बनके रेडी होने ही वाली है, देखो अच्छे से पक गई है। और इसका ये सूप है ना, ये मैंने सूप वाला इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है इसका सूप। कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं तो फिर वैष्णवी इसके टुकड़े मुकड़े नहीं खाती है ना, ये ग्रीन वेजिटेबल है तो ये चीज़ें नहीं खाती वो, इसका मैं इसको ये वाले सूप दूंगी तो इसके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। बच्चों के लिए तोरई है ना जो बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए का सभी के लिए ही अच्छा होता है, इसलिए इसलिए मैं ज़्यादा सूप वाला ही बनाती हूँ, और इसको आजकल थोड़ा सूप वाली चीज़ें ही ज़्यादा दे रहे हैं, और इसको सूप वाली चीज़ें ज़्यादा दे रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा लिक्विड वाली चीज़ें ही ज़्यादा देना इसलिए। और वैसे भी ये वाली सब्जी कम खाती है तो इसका सूप पी लेती है, बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्जी। तो जी सब्जी अभी पक रही है मेरी और आटा मैंने लगा दिया है, बस अब आटा रोटियाँ वोटियाँ बनाती हूँ जल्दी से। वैष्णवी भी बोली है भूख लगी है, क्योंकि जब से वो बीमार हुई ना तब से उसको थोड़ी सी मात्रा में ही खाना दे रहे हैं हम, तो उसको बार बार भूख लग जा रही है। ज़्यादा देने में मतलब डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही देना, इकट्ठा मत देना, और टाइम तो है कि कुछ भी खा लेते थे तो कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा डर लगता है। वैसे वोमिटिंग की तो उसकी टैबलेट दी है तो वो उसको ले ही रही है, तो फिर भी फॉलो करना पड़ता है, जो भी डॉक्टर हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है। बस एक दो दिन की बात है फिर तो नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा इसका भी। तो जी खाना वाना बन गया है और अब मैं सबके लिए थालियां लगा दूंगी, खाना सबके लिए परोस दूंगी। तो पहले लगा लेती हूँ वैष्णवी के लिए, फिर उसके पापा ले जाएंगे, फिर लास्ट में मैं भी रख लूँगी। तो यही होता है थोड़ा सा, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक है, काम करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। होता है ना जिस दिन तबीयत ठीक होती है तो घर का कितना भी काम क्यों ना हो ना कुछ नहीं लगता है, हमको खूब मन लगता है काम करने में भी, फिर मन करता है कि और भी काम हो, क्या काम करना, ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं हम काम। और जिस दिन तबीयत खराब होती है उस दिन तो सारा बस बिस्तर पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो जी सबका खाना पानी हो गया है, अब मैं भी ले जाती हूँ।
इसके बाद सबने खा लिया था। मैंने वैष्णवी को नहला धुला दिया, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है उसको भी, और अभी वो बैठी हुई है और पता नहीं क्या कर रही, मोबाइल में कुछ देख रही है, होमवर्क देख रही है शायद, क्योंकि होमवर्क काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है तो उसी को ही करना है इसको। इसको होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है, सब कुछ करना है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा रूम को ऑर्गेनाइज कर लूँगी। बृहस्पतिवार है तो झाड़ू तो नहीं लगाना है, बस ऐसे ही सोफ़ा को ठीक कर लिया है, अब दूसरे दिन ही करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह। तो थोड़े से ये जो सोफ़ा की कवर हैं इनको कितना ही सुधारो ये गिर ही जाते हैं। फिर जिस दिन वैष्णवी और इसके पापा घर पर होते हैं तो फिर तो इनकी हालत ख़राब हुई रहती है। एक सोफ़ा का कवर उधर मिलता है एक कोने में, एक दूसरे कोने में मिलता है। तो यहाँ पर बेड भी ठीक कर लूँगी, थोड़े से तकिया जो पिलो हैं ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुशन कवर टेढ़े मेढ़े अच्छे नहीं लगते हैं ना इसलिए। तो जी इसके बाद सब काम हो गया था, थोड़ी देर बाद बैठे हम, कूलर ऑन कर रखा तो अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा, तो मैंने सोचा एक बनाना बचा हुआ था तो मैं बनाना शेक बना रही हूँ, और वैष्णवी ने तो वैसे ही खा लिया। इसको दूध वाले आइटम नहीं दे रहे अभी हम, बस दही दे रहे हैं, दूध वाला नहीं देंगे। तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दिया है और थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला लूँगी, क्योंकि पूरा दूध ही दूध डालने में ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, वो मुझसे पिया नहीं जाता है। तो मैं इसको मिक्सी में डाल के आ गई हूँ, तो अब इसमें से इसमें थोड़ा सा मैं अनार के दाने डालूँगी, जिससे थोड़ा सा अच्छा भी लगे और पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाए मुझे। आजकल थोड़ा सा खाने पीने पर ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, क्यों ना दें भाई, क्योंकि जब वीकनेस आती है ना सारा घर का काम रुक जाता है, इसलिए हम हाउसवाइफ को ना अपना ध्यान खाना पीना पर देना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे का काम भी कर पाएंगे, बच्चों की केयर कर पाएंगे, सब कुछ घर का। नहीं तो एक दिन भी बीमार होता है तो सारा काम अटक जाता है और घर का हाल क्या हो जाता है तहस नहस पूछो मत, क्योंकि जो घर का काम होता है ना वो हमारे हाथों से ही होता है और किसी से नहीं हो पाता, हमको डेली आदत भी होती है, और फिर भी दूसरों का काम मुझे पसंद भी नहीं आता है। जो साफ़ सफाई हम अपने हाथ से करते हैं ना उसी से ही मन हमारा संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सब कुछ काम करने के बाद अब मैं वैष्णवी के सर में ऑयलिंग कर रही हूँ थोड़ा सा, काफ़ी दिन से ऑयलिंग नहीं की थी तो बाल अजीब से हो गए थे इसके, थोड़े से गंदे रूखे सूखे हो गए थे, तो आजकल तो नहाते ही बाल भी सूख जा रहे हैं तुरंत, तो थोड़ी सी ऑयलिंग कर ले रही हूँ और बाल बना दूंगी। बाल बनाने में बहुत दिक्कत होता है इसका, क्योंकि उलझे रहते हैं तो ये दर्द होता है इसको, फिर रोने लग जाती है इसलिए। और अब मैं इसके बाल हेयर कट नहीं कर रही हूँ, थोड़े से लंबे ही रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चोटी बांधने में ठीक रहता है ना, नहीं तो ये फिर जो ये कटे बाल होते हैं ना ये आँखों में आते हैं ना, दिक्कत हो जाती है इसीलिए, तो थोड़ा सा लंबे रखूँगी तो इसके हेयर कट को मैं। जी यहाँ पर चावल रख दिए हैं, चावल बन चुके हैं लगभग, और ढेर सारे बर्तन धोने थे, बर्तन भी धो चुकी हूँ मैं, और काउंटर पार्ट वगैरह सब है साफ हो चुका है, और बाकी कड़ी बनानी रह गई है। कड़ी बनानी है, वेस्टर्न बोली थी आज कड़ी खानी है तो दाल नहीं खानी है, तो मैं कड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, बस चावल रेडी हो ही गए हैं तो जल्दी से खाना बनाती हूँ, अब उसको भी काफी ज्यादा भूख लग। चावल बन रहे हैं और कड़ी के लिए मैं दही ला गई हूँ फ्रिज से, सारा दही मैंने लोटे में डाल दिया है, और थोड़ा सा जो इसमें बर्तन में दही लगा हुआ था ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको भी निकाल दूंगी, ताकि सारा दही कवर हो, मतलब जो भी लगा हुआ है इसमें सारा उसमें डाल दूँ, खाली वेस्ट नहीं करना चाहिए, और क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है और मैं इसको अपने जहाँ हम जो हम पहाड़ी स्टाइल से कड़ी बनाते हैं ना उसी स्टाइल से बनाऊंगी, देसी स्टाइल से नहीं बनाऊंगी जो बाहर के लोग बनाते हैं, वो बेसन वाला वो वाला भी बनाती हूँ मैं, लेकिन वैष्णवी को जो हम पहाड़ में बनाते हैं ना पहाड़ी स्टाइल वाला कड़ी ही पसंद आता है इसको, तो एक बार बनाया था मैंने तो इसको उतना खास नहीं लगा, मतलब पसंद आता है लेकिन इसको यही अच्छा लगता है। तो छौंक लगाने के लिए काली सरसों के दाने और थोड़ी सी मेथी के दाने ले लिए हैं मैंने, और इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन भी ले लिया है, और थोड़ा सा धनिया और कटी हरी मिर्च, और ये बन गया है मेरा रेडी जो मसाले हैं, और लस्सी भी रेडी कर दी है, और अब थोड़े से सूखे मसाले लेने हैं मुझे, तो एक कटोरी लेंगे सूखे मसाले, जो भी डालना है, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च वगैरह सब ले लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ले रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार हम खाते भी नहीं हैं और इस टाइम हम नॉर्मल ही खा रहे हैं सब कुछ, तो मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ खाने पीने में, इससे मतलब हेल्थ भी ठीक रहती है ना, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं होता है हमारा बिल्कुल भी।
तो अब जो भी लिए थे मैंने मसाले सब इसमें डाल दिए हैं मैंने, छौंक लगाने वाले। और इसमें डाल दूंगी अब कड़ी पत्ता और हरी मिर्च वगैरह सब डाल दूंगी। और जो इस स्टाइल से बनाते हैं ना, मुझे भी यही ज़्यादा पसंद आती है। और कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए जो बेसन वाला होता है ना, वो कड़ी जो सभी लोग बनाते हैं मैक्सिमम, वो वाला मैं कभी कभी ही बनाती हूँ। और यहाँ पर जो मसाले मैंने पानी से घुलकर बनाया हुआ था पेस्ट टाइप, वो भी डाल दिया है। और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है सच में, अब तो भूख और भी तेज़ बढ़ गई है। और वैष्णवी का फेवरेट बनना है तो उसको तो बोले कि अभी तक बना नहीं करके बार बार पूछने में है। तो जी यहाँ पर इतना काम तो हो गया है मेरा। और अब डाल देंगे इसमें जो हमने लस्सी रेडी की हुई थी, इसको डाल देंगे और सारा लस्सी डाल देंगे। और जो लोटे में दही थोड़ा सा और लगा हुआ है, इसमें पानी डालकर अच्छे से जो इसके किनारे किनारों में लगा हुआ है इसको भी डाल देंगे। और पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि जो कढ़ी है ना, इसको बहुत पकाना पड़ता है ना, इसलिए और पानी डालूंगी मैं इसमें, ताकि ये पकता रहे। पकने के बाद ये आधा हो जाता है, तब जाके कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इतना तो डाला हुआ है मैंने, इसमें और पानी डालूंगी और मैं फिर इसको थोड़ी देर चलाते ही रहूंगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने, जो फट जाता है ना वो ना फटे, नहीं तो फिर कढ़ी बिगड़ जाती है, अच्छी नहीं बनती है। तो इसमें मैंने और पानी डाल दिया, देखो इतना क्वांटिटी कर दिया है इसका। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, तो ये आधा हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए जब हम कुछ किचन का सामान कुछ भी मतलब बनाते हैं ना, इतना फैल जाता है। देखो कभी कभी तो हम कैमरे में कवर नहीं करते हैं ना, तो मैं कैमरे में कवर कर लिया, मैंने कहा सोचा दिखा देती हूँ। तो इतना तो यहाँ पर फैला है, इतना दूसरे साइड भी फैला रहता है। तो मैं अब इन सब को जितना फैला हुआ है सामान, इनको समेटूंगी अब जल्दी से। और बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना सच में, अब इकट्ठा ही धोऊंगी, फटाफट हो ही जाता है। गर्मियों में बर्तन धोने की कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सब दिक्कत सर्दियों में होती है, बस पानी में काम करने का ना थोड़ा सा। गर्मियों में कुछ नहीं लगता है, कितने भी बर्तन दे दो कुछ नहीं होता है। तो जी बस अब इतना सा ही है, कड़ी अपने टाइम पर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसको चला दिया है, तब तक मैं अब घर के जो अन्य काम है उनको देखूंगी। तो जी जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें। तो जी सभी को एक बार फिर से राधे राधे।